वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछूंगा पॉलिटी के 10 सवाल और उसका जवाब भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य वे संघीय प्रदेश शामिल है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोई समय सीमा तय नहीं है। ओके, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये गलत कह रहा है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और बाकी आपके 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वे भी सत्य हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ऑप्शन 2 का कहना है। राज्यसभा को संसद का दूसरा सदन कहा जाता है। एंड 3, राज्यसभा राज्यों तथा लोकप्रिय सदन है। ये सभी तीनों के तीनों सही हैं। ओके, सवाल नंबर 4, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साधारण विधायक में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। सवाल नंबर 5, संसद का निम्न सदन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा। ओके, सवाल नंबर 6, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कभी नहीं। ओके, सवाल नंबर 7, आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, धन्यवाद। सवाल नंबर 7, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। काफी अच्छा सवाल है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। इस चैनल के नेम जीरो से जीनियस तक लिख करके इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शून्यकार। ओके, सवाल नंबर 8, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ओके, सवाल नंबर 9, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। VVI। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 14वीं। सवाल नंबर 10, बजट पारित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा में। क्वेश्चन फॉर यू, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे।
ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिख करके राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए, और भी वीडियो देखना है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको शेयर करने का मन करे तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए जीरो से जीनेस तक की प्रत्येक वीडियो को। वंदे मातरम।